अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ काजू बादाम की डिलीशियस चिकन रेसिपी, चिकन करी बोले। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने चिकन ले लिया है 1 kg, इनको मैंने अच्छे से साफ धोकर रख लिया है। ये है दही, काजू बादाम का पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैंने लिया है बारीक कटी हुई प्याज। ये है मेरे मसाले, जिसमें मैंने लिया है खड़ा मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला और हल्दी पाउडर। ये हैं कोथमीर, पुदीना और बारीक कटी हुई मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर भगोना चढ़ा दिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम ऑनियन। ऑनियन को अच्छे से अपन लाल कर लेंगे, थोड़ा सा बादामी कलर आने तक हम इसको लाल कर लेंगे। देखिए हो गया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं चिकन। चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से हिला लें हम। अच्छे से मिक्स कर लें इसे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो मैंने फ्रेश पीस कर रखा है। जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलाने के बाद भी इसको अच्छे से हम हिला लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी मसाले हमारे, जो मैंने आपको बताए थे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, गरम मसाला और खड़ा मसाला। अब इसमें ऐड कर हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े का चिकन का सालन बनकर तैयार होता है, काजू बादाम का बहुत टेस्टी बनता है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। चिकन को स्टार्टिंग में ही हम अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि वो गलने के बाद वो टूट जाने का डर रहता है, क्योंकि अच्छे से गल जाता है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। अब दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। स्टार्टिंग में ही हमें चिकन को दही के साथ अच्छे से भून लेना है, क्योंकि बाद में मैरिनेशन के बाद हमें अच्छे से गलने के बाद वो टूट जाता है ना। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मैं टमाटर का पेस्ट, जो कि मैंने 2 टमाटर को ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा पुदीना, कोथमीर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सब का डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ही इसमें पानी ऐड किया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काजू बादाम का पाउडर। काजू बादाम को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था। आप 15 काजू 15 बादाम लिए, उसको अच्छे से रोस्टेड कर लें, उसका पाउडर बनाकर आप इसमें डालें, या तो पेस्ट भी बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसमें अच्छे से फाइन पेस्ट बनाएं जब डालें। मैंने यहाँ पर पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब इनको अच्छे से हम ढक कर रख देंगे। ये देखिए, मैंने 15 मिनट के बाद इसको निकाला है। पानी हमारा और चिकन हमारा थोड़ा सा पानी और छोड़ दिया है, इसलिए मैंने पानी की क्वांटिटी इसमें कम रखी है, क्योंकि चिकन भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है। अब हम इसमें ज़्यादा ना हिलाएं। इसको फिर ढक कर रखा था मैंने। देखिए पानी हमारा तकरीबन सूख गया है, इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी मैं और। बहुत मज़े का सालन बनकर तैयार होता है। ये देखिए, मैंने 15 से 20 मिनट उसको दम पर रखा था। अब देखिए हमारा सालन बनकर तैयार है। बहुत जल्दी बन जाने वाला सालन है, बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है और बहुत मज़े का सालन बनता है।
ये देखिए मैंने यहाँ पर डिश आउट करा है। ये हमारा काजू बादाम का चिकन करी बनकर तैयार है। आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बोलें आप मुझे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।